अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी लेफ्ट से दोनों BMW और ये दोनों ठोकी है। देख देख देखो शीशा फोड़ रहा है देखो। गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम जय भारत और स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में एक और नई सुबह के साथ। तो दोस्तों अभी हम हैं यहाँ पर पार्किंग में जो कि है खंडाला घाट के नीचे और सुबह के बज चुके हैं 9:30। मैंने जो बम्बई है वो सुबेरे 4 बजे के आसपास 4:30 बजे मैं यहाँ आया था, तो 5 बजे के आसपास सोया था, तो मेरी अभी नींद खुली है और अब नींद खुली है तो अब चलते हैं यहाँ से। यहाँ पूरी पार्किंग खाली हो गई और तेरी बस वाला कौन सी स्पीड में आ रहा है ये। इनका सही है, ये हर जगह स्पीड में चलते हैं। तो दोस्तों ये जो पार्किंग है, पिछली बार एक बार और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी ये पार्किंग पूरी, तो अभी चलते हैं यहाँ से क्योंकि घाट चढ़ना, घाट टाइम हो गया और मेरे को नींद जितनी जल्दी खुल जाती है उतनी जल्दी मैं घाट चढ़ जाता हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मी में जल्दी जितना हो ठंडे ठंडे में घाट चढ़ जाना चाहिए। सुबेरे मैंने सोचा था कि चलो एक आध घंटा आराम करेंगे नींद खुल जाएगी, लेकिन नींद नहीं खुली है। तो अब यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी क्योंकि बहुत जरूरी है आज का सफर, हमें कम से कम कर्नाटक आज घुसना है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। ठीक, रात तो जगता हो गया, रात को चले थे हम वहाँ से 11:30 बजे और 11:30 बजे चलने के बाद सुबह पार हुआ अपने को, क्योंकि जाम भी लगता है बम्बई में यही थोड़ा सा वो रह जाता है क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है पूरा घोड़बंदर में। अच्छा, मैं इधर से टोयोटा लोड करके ले गया था, तो टोयोटा और टाटा में ज़्यादा वजन का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि मैं टोयोटा से बहुत छोटी छोटी गाड़ी लोड करके लाया हूँ, क्योंकि जब मैं इधर से गया था जब मेरी गाड़ी में 28.5 टन वज़न था और अभी इधर से आया हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा कितना पर्ची में मेरा वज़न है। ठीक है, तो अभी टाटा की मेरे 8 गाड़ियाँ हैं तो टोयोटा के बराबर ही है कम से कम वजन, इसीलिए गाड़ी में डीजल का बिल्कुल 4 की एवरेज से ऊपर नहीं जा रही गाड़ी। ट्विस्ट हो गया अभी मेरे को, जब मैं वहां से चला था नीचे से तो मैं दुआ मांग रहा था कि जाम ना मिले, लेकिन घाट पे जाम आखिर मिल ही गया। इसके चांसेस हो जाते हैं यार, क्या ही करूं, सुबह नींद आ रही थी गाड़ी चलाते समय और रिस्क नहीं ले सकते ना, अब 4 बजे के आसपास तो नींद आती है। अब ये कम से कम ये जाम ना बहुत परेशान करता है क्योंकि ये तो घाट का पहला मोड़ है, अगर ये वहां तक रहा जहां पर मेन मोड़ है वहां तक तो भाई साहब हालत खराब कर देगा, जितनी ही गाड़ी चलनी नहीं होगी उतनी ही बैंड बजा देगा। कहाँ यार, आज तो गलत ही हो गया काम। 1 घंटा सुबह नींद और ना आई होती ना तो मैं 1 घंटे में चढ़ जाता घाट। मैं सोच ही रहा था कि सुबह घाट नींद ना आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आ ही गई। अब रिक्स नहीं ले सकते यार। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं टोल पे और ये अपना एक्सप्रेसवे का टोल है और आपने देखा घाट में किस तरीके से कितनी कितनी जगह बचती है जब 3 लाइन अकेली चलती है, मतलब 3 लाइन बराबर में जब चल रही होती है और तीनों में अगर बड़ी गाड़ी फंस जाए तो सबसे ज्यादा हमारे लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जब टर्निंग पे गाड़ी घूमती है ना तो हल्का टायर लाइन से बाहर उसे जाना ही होता है।
तो दोस्तों हम आ गए हैं पूरा पूना बाईपास पार करके, और पार करने के बाद एक सरदार का ढाबा आता है, तो वो सरदार के ढाबे पे हमने गाड़ी लगाई है। और यहाँ देख रहा हूँ मैं जगह, क्योंकि जगह छोटा है होटल, और छोटे होटल में हमने सीधी गाड़ी डाल दी ना, गाड़ी डालने की वजह से जगह कम है यहाँ पर, तो गाड़ी टर्निंग नहीं होगी हमारी, तो घुमाना पड़ेगा। जगह देख रहे हैं, जगह हो जाए तो ये होटल है, इसी होटल पर जगह हमारी गाड़ी घूमेगी नहीं, और बड़े बड़े पत्थर हैं, वजन ज़्यादा है। अभी देखते हैं, अभी एक बंदा है उस बोल रहा था गाड़ी निकालना है, अगर वो गाड़ी निकालता है तो गाड़ी यहाँ पर डाल देंगे, बाकी देखते हैं। और हम यहाँ खाएंगे खाना, और भाई दोस्तों थोड़ा माफ़ करना क्योंकि थोड़ा कमेंट्स करने में लेट हो गया, क्योंकि खंडाला घाट के नीचे से चला था और मैं अभी तक रुका नहीं हूँ, अब आके यहाँ रुका हूँ सीधा 4 घंटे में। भाई निकालेगा क्या, किधर गया? नहीं है तो अभी शायद ये इसका पता नहीं है, अभी तो मुझसे बोल रहा था कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, फिर नहीं, ये नई गाड़ी बनी है अपनी कंटेनर, ये अपनी कंपनी का है, अभी इस पर नाम नहीं छपा है। जो भी HR 47 गाड़ी, मतलब जो RJ 47 में अपना ये ऐसी गाड़ी मिल जाती है, और इस पर है ना अपनी कंपनी का ये मोन्दे हुई है, नाम नहीं लिखा है खाली, ये अभी नई गाड़ी बन के आई है, बिल्कुल पूरी नई है, अभी बिल्कुल नई है, देखो VS 6 गाड़ी है ये। इन इस गाड़ी में और अपनी गाड़ी में मतलब बहुत, मतलब टाटा की है, और अपनी VS 6 अपनी कभी मिलेगी तब देखेंगे, जब तक अपनी VS 6 नहीं मिलती है ना तब तक कंपेयर नहीं कर सकते, उसका और इसका कंपेयरिंग है ही नहीं, क्योंकि उसमें और इसमें उसमें महिंद्रा में और इसमें कंपेयरिंग है नहीं, इसलिए क्योंकि देखो हर गाड़ी की हर चीज़ की हर सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग होता है, इसलिए देखो इसमें तो पूरी बूफर ट्राली है तेरी, कमानी है ही नहीं इसमें पूरी, अभी नई गाड़ी आई है ये, बिल्कुल नई है अभी, बिल्कुल नई। अब ड्राइवर साहब पता नहीं से कहाँ गए, लॉक खड़ी गाड़ी। चलो खाना खा लेते हैं, फिर देखेंगे निकालना होगा तो निकालेगा ये, बाकी अपन यहाँ पर रुकेंगे आधा घंटा, और मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत देर के आए हुए हैं। और अब चलती हुई गाड़ी में इस रोड पे भाई साहब फोन में हाथ लगाना भी जुर्म है, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। ये भैया देसी दाल फ्राई और रोटी अच्छी है भाई। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है, अब हमारे को गाड़ी घुमानी है यहाँ से, क्योंकि अब हम आज ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं, जितना हमें आधा घंटा हुआ था आधे घंटे से ऊपर हो गया, तो आज हमें गाड़ी खींच के रखनी पड़ेगी। और इधर ये है ना, ये पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं यार, मेरी गाड़ी की समस्या बन जाएगी, क्योंकि इधर जितना जगह हम घुमा रहे हैं इस जगह में मेरी गाड़ी घूमेगी नहीं, तो इसलिए मुझे पीछे देखना पड़ेगा, कहीं पत्थर पत्थर पर लग के कहीं टायर को नुकसान हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ से अगर हम घुमाते भी हैं इतनी बड़ी जगह में, घूम तो जाएगी गाड़ी, हालाँकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे गाड़ी तो हम घुमा रहे हैं, लेकिन ये टायर है ना, टायर ये जगह पे अगर हम घुमाते हैं तो पत्थरों में फंसे, मट्टी में और रोड पे क्या होता है कि टायर को जगह मिल जाती है, लेकिन पत्थरों के अंदर क्या होता है, जब उसको जब घुमाते हैं गाड़ी तब उसको सपोर्ट मिल जाती है, फिर वो घूमने नहीं देता, फिर वो टायर को नुकसान कर देता है, पत्थर तो वहीं का वहीं है, टायर को नुकसान कर जाता है। तो गाड़ी अभी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम शाम को चेक करेंगे, और आज हमको ना गाड़ी के ब्रेक हमारे कम लग रहे हैं, तो ब्रेक भी मिलाने पड़ेंगे। और हमने देखो खंडाला चढ़े थे, अब यहाँ से आगे चलेंगे तो छोटा खंडाला चढ़ेंगे, जिसको हम छोटा खंडाला ही बोलते हैं, वो भी 4-5-6 किलोमीटर का घाट होता है, उसके बाद आगे चलेंगे निपाणी घाट चढ़ेंगे, इधर से हमें कम से कम 3-4 घाट अकेले चढ़ने होते हैं, तो चलो अभी चलते हैं, ठीक है।
दोस्तों अभी अभी जस्ट मेरे सामने जो गाड़ी आपके आपको दिख रही होगी कि पहले चढ़ के आई है उतर के, ये देखो इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। वो गाड़ी लेफ्ट से घुसी और पूरा घुस के उसमें टक्कर लगी और पूरी राइट में घूम गई गाड़ी। देखो अभी दिखाता हूँ, एक तो लेफ्ट से घुसने, ये देखो ये गाड़ी है अभी जस्ट दोनों BMW और ये दोनों ठोकी है। ये दोनों गाड़ी अभी जस्ट एक्सीडेंट हुई है, ये गाड़ी जो है इससे एक्सीडेंट हुई है, इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। देख देखो शीशा फोड़ रहा है, देख उसका ठुकी है आगे, वो ठुकी है। थोड़ा सा अपने आप को रोक के चलो, स्लो करके ध्यान से चलो यार, और कुछ नहीं चाहिए, ध्यान चाहिए ध्यान, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं सतारा, और सतारा से अभी जहाँ से हम, ये सतारा से पहले बहुत ज़्यादा डाउनिंग वाला रोड है यहाँ पर, लेकिन मज़ा आता है यहाँ से, पूरा सतारा दिखाई देता है। और इतनी तेज और ठंडी हवा आ रही है ना कि टोपी उड़ जा रही है मेरी। बाकी देखो बाहर देखते हैं। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6 और हम आ गए हैं कोल्हापुर टोल पे। कोल्हापुर से पहले ये टोल पड़ता है, तो वहाँ पर हैं हम अभी, और शाम के 6 बज गए हैं। लेकिन अभी थोड़ा धूप देखो कितनी तेज सामने से लग रही है। और ये देखो टोल से पहले ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए खड़ी करी है कि टायर चेक कर लेते हैं। हमें 4 घंटे हो गए हैं कम्प्लीट, तो हम यहाँ आधा घंटा रुकेंगे फिक्स। हमने 6 बजे गाड़ी रोकी तो 6:30 बजे चलेंगे। और ये देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ना इधर गन्ने की खेती बहुत होती है। पीछे देख रहे हो ये गन्ना ही गन्ना, वहाँ पीछे तक गन्ना ही खड़ा है, वो देखो दिख रहा है जितना पीछे तक नजर जाए गन्ना खड़ा है। तो चलो पहले हम गाड़ी के पैर चेक कर लेते हैं, टायर के जो पैर है उसके भी तो हैं, देख लें कोई कील काल ना गिर गई हो। ठीक है भाई, कील नहीं लगी लेकिन गिट्टियां लग जाती है। दोस्तों आज मुझे लग रहा है मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी से मुझे सुस्ती आ रही है। 2 रात इकट्ठी हो गई है, एक तो पूरी रात कंपनी में गाड़ी लोड करी थी, ठीक है, दूसरा अगले दिन आए, अगले दिन अपन यहाँ पर पूरी रात, उसके अगले दिन जो पहले हम पूरी रात सोए पूरी रात नहीं है उसमें, पूरी रात में से 4 बजे एक बार मैं सुबह उठ के चला था जाम की वजह से, उसके अगले दिन पूरी रात जगे, तो दो रातें इकट्ठी हो गई। तो इस वजह से मेरे को सुस्ती अभी से आना स्टार्ट हो गई। और अभी सुबह से हमने गाड़ी देखो कितनी चला दी, अभी तक अभी 2-1 घंटे में हम कम से कम 100 किलोमीटर और जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से ये पूरा ट्रैफिक वाला इलाका है। तो आज मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे अभी से पता अनुभव हो रहा है कि भाई आज एडिटिंग के समय मैं पक्का सो जाऊँगा, ये मुझे पक्का मालूम है। तो चलो पानी पीते हैं, बाद में देखते हैं, एक चाय भी पियेंगे।